सप्ताह 3 धन्य कुमारी मरियम का ज्ञान। दिन 17 मरियम और जोसेफ के स्वर्गदूत का संदेश। हम अक्सर ये नहीं सोचते हैं कि स्वर्गदूत के संदेश में संत योसेफ ने भी एक भूमिका अदा की थी। हम जानते हैं कि जब स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम के पास ये घोषणा करने के लिए पहुंचा कि वह गर्भवती होने और ईश पुत्र को जन्म देने के लिए चुनी गई है, तो वह वहां पर अकेली थी। परंतु जब उन्होंने अपनी सहमति देकर हामी भरी थी, तब जोसेफ मां मरियम के हृदय में था। स्वर्गदूत के संदेश के समय हमारी मां ने जोसेफ की पत्नी के रूप में भूमिका अदा की थी। उसने पहले से ही विवाह में अपनी सहमति दे दी थी कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो ईश्वर की ओर से किसी भी बच्चे को वह स्वीकार करेगा। स्वर्गदूत के संदेश के समय एक पति और पत्नी के रूप में जोसेफ और मरियम पहले से ही एकजुट थे। जोसेफ के साथ नैतिक संयोजन में मरियम ने दोनों बातों के लिए अपनी सहमति दे दी थी, न केवल बच्चे के गर्भस्थ होने परंतु ईश्वर के लोगों की मुक्ति के लिए भी। जोसेफ की पत्नी के रूप में मां मरियम जोसेफ के दिल को जाने बिना यह निर्णय नहीं ले सकती थी। वह जान सकती थी कि हालांकि वह इस वास्तविकता से भयभीत महसूस कर सकता था कि उसे समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता का संरक्षक बनकर रहना होगा। जोसेफ मरियम को प्यार करता था और उसके तथा यीशु के साथ विश्वास योग्य बना रहना चाहता था। स्वर्गदूत के संदेश के समय मां मरियम ने संदेह व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसे कहे गए स्वर्गदूत के कथन से वो आश्चर्यचकित हो गई कि नाजरत की एक छोटी कन्या मसीहा को धारण करने के लिए कैसे चुनी गई है। जोसेफ भी अपने संदर्भ में इसी बात को लेकर हैरान था कि नाजरत का एक साधारण बढ़ई किस प्रकार मसीहा का पिता बन सकता है। मरियम की तरह उसे भी उसकी सहायता करने के लिए स्वप्न में स्वर्गदूत के संदेश की आवश्यकता थी कि पिता जानता है कि उसने माँ बेटे की देखभाल और सुरक्षा का दायित्व उसे दिया है। तब जोसेफ अपनी सहमति में प्रभु और मरियम को हामी भर सकता था। रात्रि को स्वर्गदूत के संदेश के शब्दों में जोसेफ ने न केवल अपनी पत्नी की अवर्णीय बुलाहट के बारे में दैविक सच्चाई को जाना, इस धर्मी पुरुष ने जो चुने हुए लोगों की पवित्र परंपरा की आत्मा में नाजरत की कुंवारी को प्यार करता था और उसे एक पति का प्यार देने के लिए उससे बंधा हुआ था, एक बार फिर इस प्यार के लिए ईश्वर द्वारा बुलाया गया था। हालांकि जोसेफ मां मरियम के साथ स्वर्गदूत के संदेश के समय उपस्थित नहीं था, लेकिन एक पति के रूप में वह उसके निष्कलंक हृदय के झुकाव को जानता था। उसने उसकी अत्यंत सम्मोहक सुंदरता और शुद्धता को अनुभव किया था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पिता ने उसे अनंत काल से उसके पुत्र की मां बनने के लिए चुना है और कि ईश पुत्र उसकी नम्रता और पवित्रता की खुशबू से आकर्षित हुआ होगा। इत्र एक छोटा सा पौधा है जिसमें से एक अलग ही खुशबू निकलती है। वो लेबनान के बलूतों जैसा ऊंचा नहीं बढ़ता, परंतु अपने छोटेपन में ही रहता है और अपनी मीठी खुशबू बिखेरता रहता है, जिसे सूंघने वालों का दिल खुश हो जाता है। पवित्र और अति शुद्ध कुमारी ऐसा ही एक बहुमूल्य इत्र थी, जिसने कभी भी किसी भी बात में जो उसके साथ हुई अथवा कही गई अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया। इत्र की तरह वह ऐसी मीठी खुशबू से सुगंधित हुई कि वह सुगंध दैविक राज प्रताप के सिंहासन तक पहुंच गई और वह इतना मुग्ध और गद्ध हो गया कि स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया और इस अतुल्य कुमारी के अति शुद्ध गर्भ में देहधारी हो गया। चिंतन के लिए प्रश्न, क्या आपने अपने लिए प्रभु की इच्छा के अद्भुत और विस्मयकारी क्षणों को अनुभव किया है? उसने किस प्रकार आपको प्रगाढ़ वरदान से अचंभित किया है? क्या आप मां मरियम और संत योसेफ की भक्ति के प्रकाश में इन क्षणों पर चिंतन करते हुए उनकी मिठास को बढ़ाते हुए कल्पना कर सकते हैं? एक ठोस तरीके से
आज आप किस प्रकार अपनी सहमति में प्रभु को अपनी हामी भर सकते हैं?